करवा चौथ को लेकर मार्केट में रौनक बढ़ी। महिलाओं ने करवा चौथ के लिए करी खरीदारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। आने वाले त्योहार करवा चौथ के लिए मार्केट में महिलाओं की भीड़ है और मार्केट को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। महिलाएं करवा चौथ के लिए शॉपिंग कर रही है। मार्केट में महिलाएं अपने साज श्रृंगार का सामान खरीद रही है। पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन उपवास रखती हैं और रात में चांद को देखकर पूजा करके उपवास खोलती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिला बयाना निकलती है। बयाना की मान्यता है कि महिलाओं को अपना साज श्रृंगार का सामान अपने परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को भेंट के रूप में दिया जाता है। आने वाली 4 नवंबर को भारतवर्ष में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते मुरादाबाद की मार्केट पूरी तरीके से महिलाओं के सामान से भरी हुई है और मार्केट को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। महिलाओं के लिए मार्केट में स्पेशल श्रृंगार का सामान कपड़े लाए गए हैं, जिसको महिलाएं आकर मार्केट से खरीद रही हैं और करवा चौथ की तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति कश्यप है, महिला मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष। करवा चौथ आ गया है, इसमें क्या क्या होता है, क्या तैयारी? हमने नए कपड़े बनाए हैं, नई साड़ी पहनी है, शॉपिंग करी है, चूड़ियाँ कंगन खरीदे हैं, पायल खरीदी हैं और बिछे भी लाए हैं साथ में। और जैसे ही साड़ी ली है वैसी मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदी हैं और पूरी मैचिंग मिला के खरीदारी करी है और पूरा 16 श्रृंगार करेंगे इस दिन, तो इसी हिसाब से हमने करवा चौथ की तैयारी की है। तो चांद देखकर होता है? हाँ जी, सुबह सारे दिन हम व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद चंद्रमा का दीदार करते हैं और जल चढ़ाते हैं और चंद्रमा की पूजा करते हैं और पति देव के हाथ से पानी पीकर फिर व्रत खोलते हैं। आज की क्या क्या तैयारी, मतलब क्या क्या खरीदारी आपने? आज चूड़ियाँ खरीदी हैं, ज्वेलरी खरीदी है, बिछुए पायल कंगन 16 श्रृंगार खरीदे हैं और पति की लंबी आयु के लिए आज हमने व्रत रखा है और सब लोग मिलके हम पहले पूजा करेंगे, फिर बायना मतलब के सासू माँ के लिए सारा श्रृंगार का सामान और खाना बनाया है और खाने मनसेंगे और सासू माँ के पैर छू के फिर व्रत खोलेंगे। पतिदेव गिफ्ट भी देते हैं? हाँ जी, पतिदेव गिफ्ट देते हैं। हाँ, और मिठाई खिलाते हैं, व्रत खुलवाते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। खुशी होती है ना जी। तो किस हिसाब से पहले का त्यौहार कैसा बनाए जा रहे थे करवा चौथ, और इस बार इस समय जो है कोरोना काल चल गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले से त्यौहार अच्छा था क्या, इस बार अच्छा बनाया जा रहा है? नहीं, पहले भी अच्छा बनाया जाता था, इस बार जरा कोरोना की महामारी को देखते हुए थोड़ा घर में ही ज़्यादा तैयारी करी है, बाहर नहीं गए हैं। और सहेलियों के घर जाते थे, रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, इस बार कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ घर पर ही रहकर पूजा पाठ की है, सासू माँ को बायना दिया है और पति देव को के लिए नए नए पकवान बनाए हैं और पूजा अर्चना की है। मेरा नाम मीनू रस्तोगी है जी। करवा चौथ आ गया है, अब इसमें किस तरह की आपने तैयारी की? मैंने नए नए वस्त्र आभूषण वगैरह खरीदे हैं, बिछुए मेहंदी और साड़ी वगैरह, जो एक हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए तैयार होती है और करती है इस व्रत को। क्या क्या तैयारी होती है इसमें? मेहंदी, बिछुए, साड़ी, ये सभी तरीके की तैयारियाँ होती हैं। हाँ जी, हाथों में मेहंदी। इस बार किस तरह की आपने? कोरोना की वजह से अब तो बहुत हल्की तैयारी हुई है आसपास की शॉप से ही, क्योंकि मार्केट में बहुत रश होने की वजह से नहीं गए आसपास से। हाँ जी। तो